हेलो फ्रेंड्स, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। और गाइज, आज मैंने बहुत दिन से व्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बिजी थी। मैं सिलाई वगैरह सीख रही थी, आपको जैसे पता है होगा ऑनलाइन, तो मैं फाइनली सिलाई सीख चुकी हूँ अच्छे से। मैंने सूट भी सिले मम्मी के, बहुत सारे मैंने अपने भी सिले, और अब मैं दिया के सिलने लगी हूँ। लेकिन मैंने सोचा चलो आज आ जाती हूँ व्लॉगिंग करने के लिए। बस आज थोड़ा बिजी थी सुबह सुबह, इस टाइम पे 1 बजने वाले हैं और अभी तक हमारे घर का काम नहीं हुआ है। देखो सारा गंदा हो रखा है। ये सब कुछ खाने का सामान इसलिए अंदर आया हुआ है क्योंकि आज हमारे रसोई में काम था। क्या था दिखाती हूँ। आज पाइपलाइन शुरू होनी थी तो इसलिए बिजी थे। अभी जस्ट करके ऊपर वाले फ्लोर पे गए हैं भैया, और ये देखिए पाइपलाइन शुरू हो गई है। तो अब हमारा सिलेंडर का काम खत्म। एक सिलेंडर हमारे पे बिल्कुल फुल पड़ा हुआ है, ये वाला। तो अब ये मैं शायद दे दूंगी अपने भाई को, उनका उनकी शॉप में काम आएगा। और ये इसमें भी है अभी, तो दे दूंगी जिसके यूज का होगा। तो सिलेंडर का काम खत्म और हमारी रसोई काफी हद तक खाली हो जाएगी सिलेंडर से। तो बस अब काम करना शुरू करेंगे। मम्मी जब तक खिला रही थी दिया को रोटी, दिया ने रात को भी खाना नहीं खाया था इसलिए मम्मी ने इसके लिए एक फुल्का बना लिया था, और अब खाना खिला रही है। मम्मी खाने वाली है दिया खाना। और ये हमारा पुराना वाला चूल्हा है तो इसको भी बस उठा के भी ऊपर ही रखना है। देखिए पूरा घर का हाल देखो कितना गंदा। दीदी के घर जाना था, मैंने वहां भी कैंसिल कर दिया क्योंकि हमारे घर पे पानी भी नहीं आ रहा गाइस, तो इसलिए मैं इतनी गंदी लग रही हूँ आपको। बहुत ही ज्यादा गंदी से लग रही हूँ। तेल लगा हुआ है सर पे और नहाई नहीं हूँ, पानी नहीं है। तो चलो पहले काम करते हैं और फिर पानी आ जाएगा तो नहा लेंगे, नहीं आया तो ऐसे ही घूमेंगे गंदे और गर्मी से। और गाइस पानी आ गया था तो साथी तो दोबारा नहाए, और मम्मी ने दिया को नहला दिया और दिया भी रेडी हो गई है। और मैं बस पोछा ही लगाने लगी थी, देखो बाल्टी हो रखी सीढ़ियों में और पोछा ही रहा रसोई में। मम्मी का कमरा रह गया बस, मैंने अपना कमरा होक कर दिया रेडी क्योंकि इसमें बच्चे बैठे हुए हैं। हाँ कूलर भर लेते थे। हाँ पानी आ गया तो चलो पाइप लगा लेते हैं, कूलर भर लेते हैं। और गाइस मैं भी नहा चुकी हूँ, सब नहा लिए, पानी आ गया था, काम भी हो गया हमारा, मम्मी भी नहा ली है, बच्चों को तो पहले ही नहला, सबसे पहले पानी आते हैं बच्चों ने, ये दोबारा नहाया है उसको नहला दिया था। तो अब हो गया खाना खाने का टाइम, तो चलिए खाना डाल लेते हैं क्योंकि सुबह आज हमने जल्दी बना लिया था तो गर्म करने जा रही हूँ। सुबह जल्दी बना लेते क्योंकि पाइपलाइन शुरू होनी थी आज गैस की, तो इसलिए अब खाना खाएंगे छोले चावल। तो खाना गर्म करने आ गई हूँ, उसमें है चावल, उसमें है छोले। तो चलिए खाना खाने के बाद आपसे मिलते हैं, आपसे खाना खाने के बाद मिलते हैं। अब पाइपलाइन आने से सिलेंडर से मिल गया छुटकारा। और तो गाइस हमने खाना खा लिया, खाना खाकर ही हटे थे कि दिया ने पोटी कर। और गाइस रात का टाइम हो गया है, अमित आ गए, फ्रेश हो गए, खा लिए। अब बस मैं रोटी बनाने लगी हूँ सबके लिए। और आज खाने में बना है आलू की, क्योंकि दिया को इतने पसंद है आलू, डेली आलू दे दो, सुबह शाम दोपहर सब टाइम उसको आलू दे दो। तो आलू तो उसके बने हैं, उसके लिए बने हैं, हम भी खा लेंगे थोड़े थोड़े, और दाल बनी है सबके लिए। और रायता बनाने लगी है मम्मी अभी, जब तक मैं छिलके सेक लेती हूँ। तो गाइस खाना खा चुके हैं, बस बर्तन वगैरह सब रख दिए, अब मैं बर्तन साफ करने लगी हूँ। पहले पानी की बोतलें भर देते हैं और चलिए गाइस इस व्लॉग का भी एंड यही कर लेते हैं। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बाय बाय।